देख रहे हैं कभी न्यूज और मैं हूं आपके साथ नारायणी भट्ट। आज हम आपके सामने देश की ऐसी एकेडमी के बारे में बताने जा रहे हैं जो बच्चे के ब्रेन को 10 मिनट में जीनियस बना देती है। जी हां, ये एकेडमी देश की राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 में स्थित है। इसके संस्थापक परमिंदर माझी हैं। ये संस्था जापानी विधि द्वारा बच्चों के ब्रेन को मजबूत करने का काम करती है। अपनी इस संस्था द्वारा ये बच्चों के एकाग्रता, IQ और याद करने की क्षमता को बढ़ाने के तरीके बताते हैं। साथ ही जिन बच्चों में रट्टा लगाने या फिर काफी याद करने के बाद भी परीक्षा के समय भूल जाने की समस्या से ग्रसित होते हैं, उन समस्याओं को भी दूर भगाने का काम करती है। ये बताइए कार्ड का कलर बताइए। ये कलर बताइए। वेरी गुड। ये कलर बताइए। बहुत अच्छा। और इस कलर क्या बात? थोड़ा लाउड बोलो बच्चे। जोर से बोलो। रेड। यस। ये बताइए। ग्रीन। इस जापानी टेक्निक द्वारा बच्चों के राइट पार्ट यानी दाएं हिस्से को डेवलप करते हैं। अगर हम ब्रेन डेवलपमेंट की बात करें तो हमारे मस्तिष्क के दो हिस्से होते हैं, राइट और लेफ्ट। मस्तिष्क के लेफ्ट पार्ट से शरीर का राइट पार्ट काम करता है, जबकि मस्तिष्क के राइट साइड से शरीर का लेफ्ट पार्ट काम करता है। और इसी वजह से हमारे मस्तिष्क का लेफ्ट पार्ट ज़्यादा उपयोग लाने के कारण कमजोर हो जाता है और राइट पार्ट का कम उपयोग होने के कारण वह मजबूत रहता है। तो वहीं अगर हम भारत की शिक्षा की बात करें तो हमारे यहाँ राइट पार्ट का सिलेबस नहीं है, जिस वजह से बच्चे का राइट पार्ट नहीं डेवलप हो पाता। हमारे यहाँ बचपन से लेकर PhD या फिर कोई भी एजुकेशन, उसके लिए मस्तिष्क का बायां भाग ही उपयोग में आता है। इस संस्थान द्वारा जापानी विधि को अपनाकर बच्चे के राइट पार्ट को डेवलप किया जाता है, जिसके द्वारा बच्चे के इमेजिनरी पावर या यूं कहें सिक्स सेंस को मजबूत किया जाता है, जिससे बच्चे आंख में पट्टी बांधकर या फिर कभी कोई वस्तु ना दिखाई देने पर उसके आकार और रंग को पहचान सके। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।